महाराष्ट्र की राजनीतिक उथक पटक के बाद अब हेमंत सोरेन यानी कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का जो अलायंस है वो भी खतरे में नजर आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी दोबारा से एक नया तख्ता पलट स्टेज करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में आपको देंगे सारे अपडेट्स झारखंड के इस राजनीतिक गहमा गहमी पर। 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की 3 एमएलए यानी कि इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिक्सल एक भारी मात्रा में पैसों के साथ उन्हें हावड़ा में पकड़ा गया। 40 से ज्यादा लाख की कीमत बताई जा रही है जो इन लोगों के पास से बरामद हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सुर्खियों में आ गई। ये कहा जा रहा था कि आखिर ये 3 एमएलए इतने ज्यादा कैश के साथ क्या कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी हावड़ा की जो पुलिस है, वेस्ट बंगाल की पुलिस है, उन्होंने कर ली। उसके बाद ये पूरा मामला सीआईडी के पास चला गया। पर ये पूरा राजनीतिक उठापटक का मामला यहाँ पर ही नहीं थमा। इन सब के बीच एक नया नाम सामने आया, वो था कांग्रेस एमएलए कुमार जयमंगल का। उन्होंने ये क्लेम किया कि बीजेपी ने उन्हें अप्रोच किया है कांग्रेस की सरकार को टॉपल करने के लिए, यानी कि कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए। इस सनसनीखेज एलिगेशन के बाद एक वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गया कांग्रेस और बीजेपी के बीच, क्योंकि इन सारे कंट्रोवर्सी का सेंटर पॉइंट बनकर के आए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। ये कहा गया कि दोबारा से हिमंता बिस्वा शर्मा इस्तेमाल कर रहे हैं इन कांग्रेस एमएलए को ताकि झारखंड की सरकार गिर जाए। कुमार जयमंगल ने ऐसा ही दावा पिछले साल भी किया था और इस बार फिर से उन्होंने कहा कि बीजेपी कोशिश कर रही थी कि 10 करोड़ देकर के एक एक एमएलए को खरीदा जा सके और किस तरह से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी के पीयूष हजारिका ने हिमंता बिस्वा शर्मा और कुमार जयमंगल की फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करके वायरल कर दिया। उन्होंने ये क्लेम किया कि जितने भी एलिगेशन हिमंता बिस्वा शर्मा पे लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। पर बीजेपी के इस क्लेम्स को कांग्रेस ने और उसके साथ साथ जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है अविनाश पांडे, उन्होंने इसे बड़े सिरे से खारिज कर दिया। पर राजनीतिक टेंशन फिलहाल झारखंड में बनी हुई है और ये देखा जा रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की इस पूरे राजनीतिक उठापटक में क्या भूमिका है। क्या और भी कुछ एमएलए थे जो इन्वॉल्व थे इस पूरे अटेम्प्ट में, जो कि केंद्रित था कांग्रेस की सरकार को टॉपल करने का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।